मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लगातार राजस्थान दौरे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। गहलोत ने कहा, पहले प्रधानमंत्री आए और अब उपराष्ट्रपति अप डाउन कर रहे हैं। आज उपराष्ट्रपति 5 जगह जाएंगे, 4 हेलीकॉप्टर से 5 जगह दौरा है। गहलोत ने कहा, गवर्नर साहब हो या उपराष्ट्रपति हो, हम सम्मान करते हैं। उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति बनेंगे तो भी हम स्वागत करेंगे, लेकिन अभी मेहरबानी रखें, बार बार सुबह शाम आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, इसका कोई तुक नहीं है। क्या तुक है, चुनाव चल रहे हैं राजस्थान में, आप बार बार आओगे तो लोग क्या समझेंगे, आप चाहते क्या हैं। ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका मान सम्मान रहना चाहिए, चाहे कोई सरकार हो। प्रधानमंत्री ने इस बार कहलवा दिया है कि प्रोटोकॉल में कोई नहीं आएगा, न अफसर न मंत्री। शेखावत साहब उपराष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने कहा था कि राजस्थान मेरा घर है, यहाँ कोई प्रोटोकॉल में नहीं आएगा। गहलोत ने कहा कि पीएम आएंगे, लच्छेदार बातें करेंगे। प्रधानमंत्री देश में मार्केटिंग के गुरु हैं, उनकी भाषा, उनकी शैली और बोलने का तरीका वैसा ही है। गहलोत ने कहा, ERCP पर प्रधानमंत्री अजमेर और जयपुर में वादा करके गए थे, इसके बावजूद अब तक उसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया। पूरे देश में 16 परियोजना चल रही हैं, एक राजस्थान की हो जाएगी तो कौन सी बड़ी बात हो जाती, वो राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करेंगे। और मेरी जिद है कि हम ERCP बना कर रहेंगे। हमने इस बार इसका बजट 14,000 करोड़ रुपए रखा है, वहाँ पर टेंडर हो गए हैं, काम चालू हो गया है। गहलोत बुधवार को चोमू बाईपास स्टेडियम में प्रगतिशील किसानों से भी बातचीत करेंगे। CM गहलोत बुधवार को रायपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में मिशन 2030 के लिए जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक के बाद एक मंत्री आ रहे हैं, केंद्र के मंत्री राजस्थान आ रहे हैं, वैसे भी मंत्रियों के पास काम नहीं है, इन लोगों ने नया सिस्टम बना दिया, मंत्रियों की चल नहीं रही और एक RSS का व्यक्ति बैठा दिया, वही सब राज चलाता है, जनता इनको जवाब देगी। CM गहलोत ने आगे कहा, चुनाव आ रहे हैं, माहौल ऐसा बन गया है, जब मैं कहता हूं कि सरकार इस बार आ सकती है तो लोग कहते हैं कि सरकार आ सकती नहीं, सरकार आ रही है, इसका मतलब है कि मामला इस बार ठीक हो सकता है, अगर आप सबका आशीर्वाद मिला तो। गहलोत ने कहा, सरकार बदलने का नुकसान होता है, वसुंधरा की सरकार ने ERCP भी दी, हमने उसको बंद नहीं किया। प्रधानमंत्री अगली बार राजस्थान आए तो ये गारंटी दे कि अगर आपकी सरकार आएगी तो हमारी कोई भी योजना बंद नहीं होगी, अभी गारंटी दीजिए कि OPS रहेगा, हमने 25 लाख का बीमा किया वो रहेगा। इस मौके पर अशोक गहलोत ने कहा, वसुंधरा सरकार ने सरकार बदलते ही मेट्रो के आगे का काम बंद कर दिया, अंबावाड़ी से 22 गोदाम तक की मेट्रो का काम इन्होंने बंद कर दिया, अभी मैंने उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है, रिफाइनरी के प्रोजेक्ट को BJP के समय में बंद कर दिया गया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके TV पर भी, अपने स्मार्ट TV पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।